कानपुर रिंग रोड भविष्य के रिंग रोड से आगरा और लखनऊ के लिए एयर टैक्सी की सुविधा देने की तैयारी है। रिंग रोड के किनारे बने हेलीपैड का महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे शहर को जाम से निजात भी मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर की, जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर बहुत ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। शहर की रिंग रोड वाहनों को रफ्तार देने के साथ ही शहरवासियों के लिए जीवन रेखा भी साबित होगी। यह पहली रिंग रोड होगी जहाँ दो हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि ग्रीन कॉरिडोर बनाए गंभीर एवं जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा के लिए भी रिंग रोड का ग्रीन कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल होगा। साथ ही भविष्य की जरूरतों को भी देखते हुए रिंग रोड से आगरा और लखनऊ के लिए एयर टैक्सी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ये रही बात रिंग रोड की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोले तो NHAI ने 93.5 किलोमीटर की रिंग रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कर ली है। उसके लिए भूमि चिन्हित पहले ही कर की जा चुकी है। रिंग रोड कानपुर नगर देहात और उन्नाव से गुजरेगी। कानपुर की रिंग रोड का निर्माण एक्सप्रेसवे की तर्ज पर किया जाएगा, जो 6 लेन की होगी, जहां पर हर सुविधा उपलब्ध होगी। अप्रैल 2023 में रिंग रोड का काम शुरू हो जाएगा और मार्च 2026 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य है। बोले तो यह रही रिंग रोड की सुविधाएं। अब इस पे बेहतरीन सुविधा क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि एयर एम्बुलेंस भी यहां पर उतारी जाएगी, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंभीर मरीजों को हेलीपैड तक लाया जाएगा, उसके बाद हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस लेकर उन्हें लखनऊ, दिल्ली एवं मुंबई पहुंचाया जा सकेगा। अंगदान करने वालों के लिए भी इसी प्रकार से एयर एम्बुलेंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकेंगे। जब भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति शहर आते हैं तो यातायात रोकना पड़ता है, इस वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में रिंग रोड के हेलीपैड कारगर साबित होगी। रिंग रोड आसपास के सभी जिलों से कनेक्ट होगी। ऐसे में जब भी महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां आएगा, उन्हें रिंग रोड के हेलीपैड पर उतारा जाएगा। वहां से रिंग रोड से सीधे अपने गंतव्य तक वहां जाएंगे। ऐसे में शहर को जाम से राहत भी मिलेगी और रिंग रोड पर जन सुविधा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यह रही खासियत भारत के रिंग रोड की, जो कि कानपुर के शहर को एक सौगात के रूप में मिलने वाला है। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा तो वीडियो को शेयर करिएगा। अपना कमेंट्स जरूर हमें लिखिएगा कि आपको आखिरकार और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अभिनेता से लेके नेता, कानपुर की जनता में कानपुर की क्या है राय, क्या है खान पान यहाँ का फेमस, क्या है यहाँ पर घूमने की जगह, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कानपुर के बारे में पूरी चीज खास खास। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी दुकान है या आपकी कंपनी है या आप किसी चीज का भी यहाँ पर प्रमोशन कराना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर संपर्क करें। दोस्तों, यू एंड विथ यूथ इंडिया चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।